आज का हमारा देसी इलाज का सब्जेक्ट है इम्प्रूविंग आई साइट्स, यानी कि आंखों की ज्योति, नेत्र ज्योति बढ़ाने के तरीके। दोस्तों नमस्कार, देसी इलाज डॉट कॉम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, नेत्र ज्योति वर्धक कुछ अच्छे फॉर्मूले के लिए। इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट का आप कर सकते हैं। पहला हम आपको तरीका बता रहे हैं जिसमें आपको दो तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप बादाम की गिरी, यानी कि बादाम का जो अंदर से गिरी निकलती है, उसको आप ले लीजिए। दूसरा, बड़ी सौंफ, सौंफ को साफ कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कूजा मिश्री, कूजा मिश्री दोस्तों मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है, इसलिए ज्यादा ठंडी होती है, इसलिए कूजा मिश्री लेने की सलाह दी गई। अगर आप कूजा मिश्री आपको नहीं मिलती है तो आप साधारण मिश्री भी लेकर सब प्रयोग कर सकते हैं। इन तीनों चीजों को आपको बराबर मात्रा में लेना है और इसको कूट कर, चाहे आप मिक्सी में पीस लीजिए, बराबर मात्रा में लेकर पीस कर इसका चूर्ण बना लीजिए और इसको किसी कांच के बर्तन में भर के रख लीजिए। जब भी रात को आप सोने जाए उससे पहले 10 ग्राम ये मिश्रण 250 ग्राम दूध में मिलाकर, हल्का सा गुनगुना दूध हो उसे मिलाकर आप पी लीजिए। इससे आपकी सिर्फ 40 दिन के इस प्रयोग से, 40 से 45 दिन में आपकी आंखों की ज्योति इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि चश्मा लगा हुआ तो वो भी उतर जाएगा। और अगर आपको हल्का सा भी लग रहा हो कहीं विजन में आपको डिफरेंस है तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक बार जरूर ट्राई करके देखिए, ये बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा एक साधारण सा प्रयोग है जो हमारे श्री राजीव दीक्षित जी ने भी बताया है कि मॉर्निंग का स्लाइवा, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मुंह का जो थूक होता है उस स्लाइवा को आप काजल की तरह आंख में लगाइए। इससे आंखें तो सही होंगी ही, उसकी दृष्टि भी मजबूत होगी, साथ ही अगर भेंगापन है तो वो भी दूर हो सकता है। और कंजक्टिवाइटिस होता है उसमें भी आप इस चीज को ट्राई कर सकते हैं, बहुत असरकारक है। एक बार जरूर ट्राई करके देखिए और हमारे देसी इलाज डॉट कॉम पर आप विजिट करते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट इसको यूज़ करने के बाद हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। आप इसको सब्सक्रिप्शन को करने के बाद और उसमें साथ में जो बटन दिया हुआ है बेल का, उसको जरूर कर दिए, जिससे आप नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब के हमारे वीडियोस के हमेशा मिलते रहें। और इसी तरीके के यूट्यूब के वीडियोस देखने के लिए लगातार विजिट करते रहिए हमारे चैनल को, desiilaj.com। थैंक यू।